हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पांच हेयर मिथ्स के बारे में, मतलब पांच ऐसी अफवाह जो हमारे बालों के बारे में है पर हम सच मानते हैं उस अफवाह को। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, अब चलते हैं नंबर वन पे। नंबर वन पे ये है कि फ्रीक्वेंटली कटिंग योर हेयर मेक्स योर हेयर ग्रोथ फास्टर। मतलब हमें ये लगता है कि अगर हम हमारे बाल फ्रीक्वेंटली कट करेंगे, मतलब हर एक या दो वीक के बाद, तो हमारी हेयर ग्रोथ जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, मतलब हमारे बाल जल्दी ग्रो होंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपके बाल की ग्रोथ नेचुरली जितनी होगी वैसी ही होगी। ऐसा नहीं कि आप अगर आपने दो वीक में बाल कट करा दिए तो आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब हम पहले से ही ये मानते हैं कि अगर हम हमारे बाल जल्दी कट करेंगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे, पर ये चीज़ गलत है, हमें इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अब चलते हैं नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड पे ये है कि हमें लगता है कि अगर हम हमारे बाल हर रोज़ वॉश करेंगे, शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करेंगे, तो हमारे बाल स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, उससे आपके बाल डैमेज हो जाएंगे और भी ज़्यादा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल कंडीशनर यूज़ करते हैं इस वजह से सिल्की है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप जब हेयर वॉश करते हैं तो आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, पर आप अगर हर रोज़ हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल जो आपके बाल प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके बालों के लिए अच्छा है, वो चला जाएगा आप हर रोज़ वॉश करेंगे तो। उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, तो आपको हर रोज़ वॉश नहीं करना है। वीक में आप दो बार वॉश करें आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, पर आपको हर रोज़ वॉश नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अब चलते हैं नंबर थ्री पे। नंबर थ्री पे ये है कि हमें लगता है कि अगर हम हमारे बालों में शैम्पू यूज़ करेंगे तो हमारे बालों में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली कोई ये चीज़ बिलीव नहीं करता, पर कुछ लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि जब वो अपने बाल शैम्पू से वॉश करते हैं तो कुछ बाल, मतलब नॉर्मल है कि आपके कुछ बाल गिरेंगे, पर उनको लगता है कि हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। हेयर फॉल कब होगा? जब आपके बाल गिर जाएंगे और उसके बाद नए बाल नहीं आएंगे, उसको हेयर फॉल कहेंगे। मतलब आपके बाल नॉर्मली तो सबके बाल गिरते ही है, आपके बालों में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके बाल 100 साल तक वैसे के वैसे रहेंगे। सब लोगों के बाल एक ना एक दिन तो गिरने ही वाले हैं, पर हेयर फॉल उसे कहते हैं जब आपके बाल गिर जाए पर नए बाल ना होंगे। तो गाइस, आप लोग ये बिलीव मत करना कि अगर आप शैम्पू से बाल धोएंगे, मतलब वॉश करेंगे, तो आपके बालों में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। शैम्पू की वजह से ये नहीं होगा, पर आपके बालों का जो रूट होगा वो वीक हो गया होगा, इस वजह से आपके बाल गिरेंगे। तो गाइस, अब चलते हैं नंबर फोर पे। नंबर फोर पे ये है कि हमें लगता है कि अगर हमारे बालों का जो स्कैल्प है वो ऑयली है तो हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है अपने बालों में। तो गाइस, ये भी चीज़ हमें माननी नहीं चाहिए। इसका अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने बालों में ऑयल नहीं डालना चाहिए। आपके बालों के लिए ऑयल सबसे अच्छा है, मतलब आपके बालों में जो आपके बालों का जो प्रोटीन चला गया होगा वो भी आपके ऑयल डालने की वजह से वापस आ जाएगा। तो गाइस, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में नॉर्मली ये बोलता हूँ कि आपको अपने बालों में ऑयल डालना ही चाहिए, तो इस वीडियो में भी मैं यही बोलूँगा कि आपको अपने बालों में ऑयल डालना ही चाहिए, और एक दिन पहले, मतलब आज आप वॉश कर रहे तो एक दिन पहले आपको ऑयल डालना ही चाहिए। तो गाइस, अब चलते हैं नंबर फाइव पे। नंबर फाइव पे ये है कि हमें लगता है कि अगर हम हमारे बाल को कोम्ब करते रहेंगे, मतलब कुछ आधे घंटे के बाद, मतलब आधे आधे घंटे के बाद हम हमारे बाल कोम्ब करेंगे, तो उससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे। ये चीज़ भी आपको बिलीव नहीं करनी चाहिए, उससे आपके बाल को सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। आपके बालों को डैमेज होगा, आपके स्कैल्प को डैमेज होगा, और आपके स्कल को भी डैमेज हो सकता है। मतलब आप कोम्ब करेंगे अपने बालों को तो स्लोली तो करेंगे नहीं, आप जल्दी में होंगे तो फटाफट ऐसे ही करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप कोम्ब करें अपने बालों को डे में, या आप दो या तीन बार कोम्ब करें अपने बालों को, जो आपके बाल अच्छे होंगे, मतलब रूट से भी आपके बाल जो स्ट्रांग होंगे वो भी आपके कोम्ब करने के चक्कर में निकल जाएंगे, सभी बाल आपके निकल जाएंगे, और आपके स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो आप ये चीज़ बिलीव ना करें कि कोम्ब करने से आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और ट्रेंडिंग फैशन चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, मतलब 870 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर है हमारे अभी, तो 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी हो जाए ऐसा प्रे करना। और 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तब मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ, शायद आप विनर हो उसके।
तो गाइस जल्दी कर दीजिए, तो मैं गिव अवे करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ अभी आप लोगों को गिफ्ट भेजने के लिए, क्योंकि आपके वजह से ही मेरी चैनल अभी इतनी अच्छी चल रही है। मेरी चैनल के 80,000 प्लस व्यू है। तो गाइस थैंक यू सो मच। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।